चेहरे पर मुस्कुराहट, इनकलाब का नारा और नीचे सैकड़ों की संख्या में इंतजार करते लोग। नजारा सना एयरपोर्ट का है। ये हुती विद्रोहियों से भरा हुआ वो जहाज है जो 9 साल के बाद कैदियों को अपने घर वालों से मिलाने के लिए सना पहुंचा है। ये जहाज सना में जब लैंड हुआ तो लोग स्वागत के लिए बेकरार दिखे। यमन में लंबे समय से चल रहे युद्ध से जुड़े करीब 900 कैदियों की शुक्रवार से अदला बदली शुरू हो गई है। संघर्ष को खत्म करने के लिए लंबे समय से बातचीत और ठोस राजनयिक प्रयासों के बीच यूएन ने सौदा करवाया है। संघर्ष शुरू होने के बाद से सभी पक्षों की ओर से हजारों लोगों को युद्धबंदी बनाया गया था और इसी जंग में तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और मिलियंस ऐसे थे जो बेघर हो गए थे। ये जंग लंबे समय से सऊदी अरब और हुती विद्रोहियों के बीच चल रहा था। हुतियों के कब्जे वाली राजधानी सना में दर्जनों पूर्व कैदियों के विमान के नीचे उतरने पर एक मार्चिंग बैंड और पारंपरिक यमनी डांसर से उनका स्वागत किया गया। कैदियों को उनके परिवार के सदस्यों ने चूम कर गले लगा लिया। उनके स्वागत में हुती राजनयिक नेता भी वहां पर मौजूद रहे। ये उड़ान अदन शहर से आई थी जिस पर सऊदी अरब के साथ गठबंधन में शामिल देश की सरकार का नियंत्रण है। 3 दिनों की अदला बदली में उड़ाने कैदियों को सऊदी अरब और यमन के भीतर सरकार नियंत्रित शहरों से सना तक लेकर जाएंगी। यमन की सरकार के मानवाधिकारों के उप मंत्री माजिद फदाइल ने इस बारे में बताया है। रेड क्रॉस के मुताबिक कैदियों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अदन और सना के बीच शुक्रवार को एक साथ 2 उड़ानें मौजूद होंगी और कई खेप में 900 कैदियों की अदला बदली होनी है। आपको बता दें कि यमन का संघर्ष साल 2014 में शुरू हुआ था जब हुतियों ने सना और देश के ज्यादातर उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार दक्षिणी कोने में सिमट गई थी और फिर सऊदी अरब में निर्वासन में चली गई। हुती कब्जे के कुछ महीने बाद सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन संघर्ष में हस्तक्षेप किया। आपको बता दें कि हाल के दिनों में यमन संघर्ष सऊदी अरब और ईरान के बीच तनाव का प्रमुख कारण रहा है और अब इस पूरे मामले पर सऊदी अरब नरम रुख अख्तियार किए हुए है। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने हुती विद्रोहियों के सामने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन असल में क्या होने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।